10 सोडा, 10 जिंजर और पेप्सी, सब कुछ मिला के 145 हुआ। अंकल सुनो, मुझे चॉकलेट दे दो। ये क्या सिर्फ 45 रुपए? अंकल पहले मुझे दो ना। सबरे सबरे, 100 रुपए तेरे भाई ने ले लिया मुझसे। जाओ भाई तुम भी। जल्दी आप चॉकलेट दे दो। समझते नहीं है। चॉकलेट जल्दी दीजिए ना, ये वाली। क्या चॉकलेट चॉकलेट करता है? चल जा रहे। अरे भाई, एक केले का पैसा निकाल के सोडे का पैसा दे दो। कौन सा पैसा? सोडे का पैसा। उल्टा 10 रुपए तू मुझे दे दे। अभी और कितने लोगों को पैसे देना है? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? चिकन लेके चला जा, क्या दिमाग खराब कर रहा है? अच्छा धंधा कर रहे हो, माल बड़ा भाई डाल रहा है और वसूली छोटा भाई कर रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लो तुम्हारी चिट्ठी है। अरे क्या हुआ मेरे दादा को? मेरे दादा मेरी शादी से पहले ही चला गया, मेरी शादी तो देख लेता। रोज मुझे देखते ही चिट्ठी याद आती है क्या? एक साल पहले ही चिट्ठी बंद हो गई है। ये लो तुम्हारे भाई का एडमिशन कार्ड है। कॉलेज का एडमिशन कार्ड? बस अब इसकी ही कमी थी। अभी आओगे मामा जी? इधर मेरा हाथ मांगने के लिए घर पर। तो आगे चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। अभी मत आओ, थोड़ा रुक जाओ, मैं साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हूँ, बाद में आ रहा। बड़ी आई दिमाग वाली भाग्य लक्ष्मी, दिमाग तो किसी एंगल से है नहीं, चपटी कहीं। उस आदमी को जाने के लिए बोलो मेरे पास पैसा नहीं है, सवेरे से कमीशन के लिए बैठा है। आराम से बात करना, वो सुनेगा। मैंने सुना मेरे बैग में 10 लड़की के फोटो है। आज ही हम लोग लड़की देखेंगे, अगले हफ्ते सगाई और अगले हफ्ते ही शादी। ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगले साल बच्चा होना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, लड़की को देखने के बाद ये दिन तो हो जाएगा ना? ठीक है, नहीं सकता, बैठ कर बात कर ली है ना। अरे लड़की आ गई। अरे लड़की आ गई, ये तो होना चाहिए। अरे मुंह से बाहर निकाल। अजी सुनिए ना, हाँ? अपने बेटे को बुलाइए। माँ बुला रही है। लड़की पसंद आई क्या? हेलो। हाँ बोलो भैया, मुझे मैंने बोला था ना तुम थोड़ी देर में देखना। ठीक है ठीक है, सुन के बहुत खुशी हुई। 3 महीने पहले एक इंजीनियर लड़का देखने आया था, अभी तक फोन नहीं आया। अभी फोन आया, अगले हफ्ते सगाई करेंगे। बुरा मत मानना, आप जा सकते हैं। हमारी बात का बुरा मत मानना, आप जा सकते हैं। एक बार लड़की से पूछ कर तो देखिए कौन पसंद है उसे। सोडा कंपनी और इंजीनियरिंग पूछने पर लड़की इंजीनियरिंग ही बोलेगी ना। हाँ वो इंजीनियर ही है ना। भाई साहब मेरा बेटा भी बहुत अच्छा। मेरी है। बेटी की शादी में सब लोग आना। चलो चलो चलते। इस एरिया में खून हुआ है, आज का दिन अच्छा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। भैया मुझे माफ कर दो, लड़की हमारी भाग गई है। मेरी बच्ची मर गई है, मेरी बच्ची मर गई है, मेरी बच्ची मर गई है, मेरी बच्ची मर गई। इंडिया हार गया है, सब मैच फिक्सिंग, तुम यहाँ से जाओ। ये क्या, उसमें और इसमें क्या संबंध है? अभी तक तो इंडिया जीत रही थी, तू आया तो हार गई, सब तेरी वजह से हुआ। मेघा, मेघा क्या चाहिए? हाँ वो कपड़ा धोने का साबुन खत्म हो गया है, क्या आप देंगे थोड़ा? दुकान से ले लो। कौन सी दुकान में? हाँ? बर्तन की। थैंक्स। ओए कहाँ जा रहे हो, बर्तन की दुकान में? अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ये बर्तन की दुकान पे नहीं, कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। जाओ यहाँ से, निकलो। माँ, माँ क्या है? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ बोलना। मैं बैंक जाके आता हूँ। ओए तुम बैंक तो जा सकते हो, लेकिन अंदर कभी गए हो क्या? मुंह देखो बैंक में जाने वाले का। कलेक्टर ऑफिस जाके आता हूँ माँ, पार्लियामेंट जाके आता हूँ मैं माँ, म्यूनिसिपालिटी जा। इधर ही तो फेंका था मैंने, पता नहीं कहाँ है। ए सूर्या, गोबर के अंदर क्या ढूंढ रहा है? कौन सा गोबर अच्छा है कौन सा खराब है वो देख रहा हूँ। गोबर रहेगा लेकिन गाय का नहीं रहेगा। मेरे से मजाक है? अरे माँ कितनी जू है तुम्हारे सर में। ए,
सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? भैया तुम भी आकर बैठ जाओ, तुम्हारे सर में भी बहुत सी जू होंगी। एक बात जानते हो, एक जू 7 लोगों के सिर में घूमती है। 7 × 7 बैठ। लीक और जू निकालने के लिए तुझे 12वीं पढ़ा है क्या? अभी आता हूँ मैं। माँ भैया ने मुझे पढ़ाया है क्या? मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँ। वो सुबह से ही चिढ़ के बैठा है, तू उसे और गुस्सा मत दिला। फालतू में चिल्लाते हैं, हाथ निकालो। ए सूर्या, तू बैग लेके कहाँ जा रहा है? चुपचाप बैठ, हमेशा बोलती रहती है। शांति रखो भाई। ये लो तुम्हारा एटीएम कार्ड। भैया ये एटीएम नहीं है, एडमिशन कार्ड है। जरा बोलो तो। वो सब छोड़ मेरे भाई, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। इधर रहेगा तो तेरी जिंदगी खराब होगी। बहुत प्यार आ रहा है आज मुझ पे। वैसे ये सच तो मुझे मालूम करना ही है कि ये कार्ड तो आज ही ज्वाइन करना है, तो फिर ये आया कभी था और इतना सुंदर कैसे बन गया? मेरे भाई, मेरे राजा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा यहाँ पे? अब ये ड्रामा किस लिए कर रहे हो? कॉलेज यहाँ से दूर बॉम्बे में है, रोज आना जाना नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए तुझे हॉस्टल भेज रहा हूँ। तू अच्छा पढ़े इसलिए तुझे पढ़ा रहा हूँ। मेरे भाई देख, मेरे भाई ये सबको जाने दे। तू बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आएगा तो तेरा भाई बहुत खुश हो जाएगा। तू बहुत नसीब वाला है, बहुत नसीब वाला है तू, जो तुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। जा बेटा, जाकर तैयार हो जा। जा जल्दी कर। कितना प्यार है दोनों भाइयों में। वो तो ठीक है, ये बताओ भाजी क्यों नीचे फेंक दी? आओ मेरे यार, आई एम सतीश, अब से मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। अरे क्या देख रहे हो, तुम्हारा ही शर्ट है लेकिन पैंट ना बहुत टाइट है। नेक्स्ट टाइम ना 40 इंच का ही लेना, ओके? तुम्हारे पैंट की साइज भी दे दो ना, वो भी लेके आ जाऊंगा। मैं भी तुझे ये बात बताने ही वाला था, मैं ना चड्डी पहनता नहीं। तू खुशबू तो अच्छी है, कौन सा पेस्ट यूज करते हो? नीम की लकड़ी। अरे कहाँ चल दिए मेरे भाई, आज के बाद जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। आई विल मीट यू इन द क्लास, ओके बाय। कहिए सर। ये क्या है? सर एग्जाम हॉल में बुक्स अलाउड नहीं है ना सर, इसलिए पढ़ी हुई चीजें मैं पेपर पर लिखकर लाया हूँ। परीक्षा रूम में पढ़ाई करते हो? पढ़ने के बाद ही तो परीक्षा देते हैं ना सर। हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूँ सर। कैसे? एक मिनट बताता हूँ। मनुष्य की उन्नति कहाँ से हुई? एडम से। पढ़ लिया सर। मनुष्य की उन्नति कहाँ से हुई? एडम से। लिख लिया सर। यही बात चलकर प्रिंसिपल से बोलो। नहीं रहने दीजिए सर, मैं एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में लिख लूंगा, आप रिस्क मत लीजिए। आउट। थैंक यू सर। था तुम्हारी बेटी आए तो झगड़ा फट से बंद कर दिया है। चला गया यार। हाँ जा जा अंदर जाओ। हाँ चलो। सॉरी, मेरी माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं, हम लोगों ने ही गलती से तुम्हारे यहाँ कचरा फेंका था। तुम ऐसे क्यों बोलती हो, हमारा तुम्हारा क्यों कर रही हो? हाँ ये कचरा देखकर मुझे याद आया, सरकार बोलती है कि इंडिया साफ रखो, अब तुम ही बताओ कि ये कैसे मुमकिन है? अब ये इतना आसान भी तो नहीं है, अगर हम इंडिया का कचरा इंडिया में ही डालते हैं फिर इंडिया कैसे साफ होगा बताओ? लेकिन हम इंडिया का कचरा पाकिस्तान में डाल सकते हैं क्या? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आपने बनाई हुई रंगोली बहुत सुंदर है। मेरी माँ ने बनाई है। ब्यूटीफुल। लेकिन ये सब कुछ मेरी माँ को नहीं आता। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। सूर्या मेरा नाम, सिंह मेरा सरनेम है। मैं IAS के लिए तैयारी कर रहा हूँ। फॉरेन से बहुत ऑफर आते हैं काम के लिए, लेकिन ये गांव छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए पिताजी का काम मैं कर रहा हूँ। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। चलो स्टॉप आ गया, उतरो। टाटा बाय। वेरी क्यूट।
उठ। क्यों वहां जाके बैठ जाओ ना। उठना। क्या कहा? उठ जा। अरे मैं क्यों उठूं? अपना फोन निकाल। ए बेटी कुछ तकलीफ है? ये अपने फोन में मेरी गंदी गंदी फोटो ले रहा था। ए मेरे बारे में कुछ भी क्या बोलती हो? इज्जत से फोन निकाल और फोटो डिलीट कर। अरे क्यों लड़की, आजकल के बच्चों को क्या हुआ पता नहीं। दिया ना आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या क्या हो गया। लड़कियों की फोटो लेते हैं सारे दिन। कैसा गंदा इंसान है, लड़की का फोटो खींचता है। सॉरी कहा था, इसका गला घोंटना चाहिए। रुक जाओ, उसने कुछ नहीं किया, अपनी सेल्फी ले रहा था। सेल्फी मतलब क्या है? कोई लड़की का नाम है क्या? अरे सेल्फी नहीं, सेल्फी सेल्फी। अरे फोन की नई टेक्नोलॉजी है भाई। अरे गाड़ी चलाओ यार। निकाला नहीं फिर भी बोली निकाला। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कोई? अरे हेलो। ओ भाई साहब, मैडम आपको बुला रही है, सुनाई नहीं देता। थैंक यू सो मच। हाँ वेलकम भाई। देखिए मैडम, मैं जरा बैग उठाने में हेल्प करेंगे? आपके पास तो एक ही बैग है ना, प्लीज। बस यही ना। It's my pleasure. Thanks. अंदर बहुत माले लगता है। बाकी का बैग दो ना। नहीं नहीं नहीं, वो मैं उठा लूंगी, इतनी तकलीफ आपको क्यों दूं? बहुत अच्छा दिल है आपका। सब ऐसे ही बोलते हैं। आप यहाँ के स्टाफ हैं? हाँ, प्रिंसिपल हूँ। ओल्ड स्टूडेंट हो? ये लो तुम्हारा लगेज, यहीं छोड़ देता हूँ। सॉरी सॉरी, अब कुछ नहीं पूछूंगी। हाँ बस बस यहीं रख दो। थैंक्स। इसके आगे मैं खुद ले जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं अंदर तक छोड़ता हूँ ना, इतना वजन लेकर आप कैसे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये देखो ये है ना, वो वहाँ का रोड बहुत खराब था ना, वहाँ पत्थर बहुत थे इसलिए। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। सुनो आप फेसबुक में हो क्या? हूँ ना, डीपी में दीपिका की फोटो है। आपका आईडी दोगी प्लीज? क्यूट एंजल। एक फोटो डाल रहा हूँ, लाइक करना। हाँ वो जो बस में खींच रहे थे वही फोटो डालोगे ना? हाँ वही वही फोटो। पक्का लाइक करूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। हाय मैं मर जावा, मेरी ज्योति सच में बहुत खूबसूरत है। शोभा अब तक गुस्सा हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे बाद में समझ में आया। अचानक गुस्सा आने पर मैंने ऐसा कर दिया। तुम्हें डांटना है तो डांट लो, मन भर के डांट लो। पता है मैं दो दिनों से सोया नहीं हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई है ये सोचकर मुझे नींद ही नहीं आई। छे सबके सामने मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, बहुत बड़ी गलती की मैंने। प्लीज शोभा प्लीज, ऐसे चुपचाप यहाँ से मत जाओ। तुम्हें मुझे जितनी गालियाँ देनी है दे दो, जो सजा देना चाहो वो दे दो, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सर मैं भी कमिन, आपने बुलाया सर? हाँ बोलिए सर। तुम दोनों को मैंने बैठने के लिए कहा क्या? पहले ये बताओ तुम लोग, सीनियर की रैगिंग करने को मना है ना? तुम लोग तो फर्स्ट ईयर में ही रैगिंग कर रहे हो। सर मैंने कोई रैगिंग नहीं सर। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना। अरे मैं बताता हूँ ना सर, एक सर मुझे बहुत काम है। ठीक है सर आप अपना काम कीजिए, चल हम लोग बाद में आते हैं। ए रुको तुम दोनों, 15 दिन के लिए तुम लोग सस्पेंड। सर जो बोलना है खुला बोलो, उस सस्पेंस मत रखो। ए लड़के क्या सस्पेंस नहीं सस्पेंड। सर बहुत दिनों से ना मेरी माँ मुझे गांव में बुला रही है, मैं जाकर आता हूँ। गीतांजलि सस्पेंशन कैंसिल इज 2000 फाइन। सर यू मीन 200 रुपए? चलो निकलो यहाँ से। बहुत ज़्यादा है सर, क्या करें सर। शुक्र है बात फाइन तक खत्म हो गई, वरना 15 दिन के लिए फर। सॉरी मैंने गुस्से में किया, चाहो तो गुस्सा कर लो या गाली भी दे दो, जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है। मुझे देख के क्या लगता है तुम्हें, मैं कोई कॉमेडियन हूँ क्या? क्यों बे मैं कॉमेडियन लगता हूँ क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं
मैं सीरियसली माफी मांग रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत किसने की। पहले तो तुम मुझसे टकराई, उसके बाद मैं भी तुमसे टकराया, फिर बात तो खत्म हो गई ना। बाद में सॉरी भी बोला मैंने, एक तो डांटना चाहिए था, नहीं तो बदला लेना चाहिए था। इन दोनों में से तो कुछ किया नहीं, बल्कि बच्चों की तरह टीचर टीचर ये लड़का मेरी रैगिंग करा था ऐसे प्रिंसिपल को जाके तुमने कंप्लेंट कर दी। नहीं नहीं, अगर तुम कुछ बोलोगी तो बदले में मैं भी कुछ बोलूंगा, तो वो सीरियसली ले लोगी। ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है ना? बाय। आपने गणपति को नहलाया? हाँ। अच्छी बात है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कपड़ा इधर क्यों? गणपति जी कपड़े नहीं पहनते। कपड़ा गणपति के लिए नहीं, तुम्हारे लिए रखा है। मुझे तुमसे क्या बोलना चाहते हो? मुझे पता है, जाओ किसी और को ढूंढो। देखो, बहुत लड़कियों ने मुझे ऐसा ही बोला है, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। कोई कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ये लो अपने क्वेश्चन पेपर, लो ये लो, तुम भी लो, लो तुम भी। प्रिया पेपर दिखाना। प्रिया तू पीछे से एकदम प्रियंका चोपड़ा लग रही है। सर एडिशनल, थैंक यू। ये ले, चक देना। टाइम ओवर हो गया, सब लोग अपने अपने पेपर दे दो, चलो जल्दी लाओ, दो तुम भी। थैंक्स। कहिए सर। ये क्या है सर? एग्जाम हॉल में बुक्स अलाउड नहीं है ना सर, इसलिए पढ़ी हुई चीजें मैं पेपर पर लिखकर लाया हूँ। परीक्षा रूम में पढ़ाई करते हो? पढ़ने के बाद ही तो परीक्षा देते हैं ना सर। हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूँ सर। कैसे? एक मिनट बताता हूँ। मनुष्य की उन्नति कहाँ से हुई? एडम से। पढ़ लिया सर। मनुष्य की उन्नति कहाँ से हुई? एडम से। लिख लिया सर। यही बात चलकर प्रिंसिपल से बोलो। नहीं रहने दीजिए सर, मैं एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में लिख लूंगा, आप रिस्क मत लीजिए। आउट। थैंक यू सर। अरे भी देखने देना भाई। अरे कौन है? मेरा नाम है क्या भाई? अरे मेरे को भी देखने दे। अरे कौन है? मेरा नाम है क्या भाई? अरे मेरे को भी। क्या हुआ यार? कितने सब्जेक्ट्स? सारे सब्जेक्ट्स। हे सेम पिंच। मैं खुद से सब देखती तो कम से कम पास हो जाती, तुम्हारा कॉपी क्या तो सब में चली गई। तुम तो ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें सब मालूम है। तो क्या करूं, दो घंटे क्या करूंगा, एग्जाम हॉल में तो वैसे भी नहीं कटते हैं। चलो वो सब तो ठीक है, तुम खुद को बहुत बड़ी ज्ञानी समझती हो, तो कोई क्या लिखता है पढ़ के लिख नहीं सकती थी? इतना दिमाग होता तो तुम्हारा कॉपी करती। पॉइंट है। चल हट। चले। पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, समझा? गर्ल्स यहाँ खड़े मत रहो, क्लास में जाओ। चलो चलो। इंग्लिश पीरियड में सोचेंगे और मैथ्स पीरियड में सोएंगे। सारे पीरियड्स में सो सकते हैं। शोभा शोभा शोभा, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है यार। दो मिनट। हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकती हो। बिंदास बोलो ना। गटर का कीड़ा। नाइस कॉम्प्लीमेंट। ज्योति, शोभा ने मुझे गंदी गाली दी। तुमने उसे मारा? चलो क्लास में चलते हैं। मारा है नहीं, बोलो किसको? एक्टिंग मत करो,
हाँ हाँ मारा था। क्यों मारा? वो लेटर पढ़ के तुम्हें दुख हुआ था ना, इसलिए मैंने उसे मारा। मैंने कब बोला कि मुझे दुख हुआ है? ठीक है वो जाने दो। जब तुम उसे मारे थे तो ये बोला कि मैं तुम्हारी हूँ? बोला था क्या? बोला है या नहीं? बोलो। हाँ हाँ बोला मैंने। एक गधे मुझे कब बोलोगे? वो बोलने के लिए और कितना वक्त लोगे? ले 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 ले